नमस्कार, D20 के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। दिवाली की दिनों में आपने रंगीन रोशनी देखी होगी या उनका उपयोग किया होगा, पर क्या आपको पता है रोशनी भले ही एक जैसी दिखती हो पर उसका पीछे का साइंस एक जैसा नहीं है। ये तो हम सभी लोग जानते हैं कि सफेद रोशनी अलग अलग रंगों से मिलके बनती है। आपने आसमान में सफेद रोशनी को इंद्रधनुष में बदलते हुए देखा होगा और आज हम एक ऐसा यंत्र बनाएंगे जिसे स्पेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। ऐसे स्पेक्ट्रोस्कोप से वैज्ञानिकों ने ये पता लगाया है कि सूरज हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। इसे बनाने के लिए 5 सेंटीमीटर व्यास का सिलेंडर, एक पुरानी DVD, एक ग्लू, काली मास्किंग टेप, पेंसिल, काले कागज की बड़ी सीट, एक पेपर कटर, एक कैंची और एक रूलर। सबसे पहले हम सिलेंडर के बेस के साइज के काले कागज पे 2 सर्कल काटेंगे। 2 सर्कल में से पहले सर्कल में आप 4 सेंटीमीटर की स्लिट काटिए। दूसरे सर्कल में आप 3x2 सेंटीमीटर का एक रेक्टेंगल काट दीजिए। अब आप सिलेंडर के अंदर ब्लैक मास्किंग टेप लगा दीजिए। ब्लैक मास्किंग टेप से अंदर अंधेरा हो जाएगा जिससे स्पेक्ट्रम अच्छे से दिखेगा। अब DVD में कैंची से एक कट लगा के 2 लेयर को अलग कर दीजिए। उसमें से जो पारदर्शी लेयर है उसमें से एक सेक्टर काट लीजिए। अब हम ग्लू की मदद से इनको चिपका देंगे। सर्कल में से सीढ़ी का कोना कोई भी बाहर निकला है तो उसे आप काट लीजिए। अब स्लेट वाला सर्कल आप सिलेंडर में चिपका दीजिए। दूसरे सर्कल को आप ऐसे एडजस्ट करके चिपकाइए कि स्पेक्ट्रम ऐसे दिखे। तो चलिए अब हम स्पेक्ट्रोस्कोप से LED और CFL लाइट को देखते हैं। तो देखिए कि कैसे एक जैसी लाइट देने वाली CFL और LED लाइट का स्पेक्ट्रम अलग अलग है। तो चलिए अब हम इसे मोबाइल के ब्लू लाइट फिल्टर को चेक कर लेते हैं। तो आपने देखा कि कैसे स्पेक्ट्रोस्कोप बता देता है कि हमारे आसपास की रोशनी का संगठन कैसा है। आशा करते हैं कि आप भी स्पेक्ट्रोस्कोप से आपके आसपास की रोशनी का विज्ञान समझे और उसका आनंद ले। धन्यवाद।